नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेशाब की जलन, रुकावट, दर्द, रुक रुक कर पेशाब आने की दिक्कत का जड़ से इलाज। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज हम बात करेंगे चंपा के फूलों की। आपने अपने दादी नानी, घर में परिवार, माता पिता सबसे चंपा के फूलों के बारे में सुना तो होगा ही कि ये कितने सुगंधित होते हैं। एक बार में ही ये फूल मन मोह लेते हैं, यहाँ तक कि इसके पत्तों से भी सुगंध आती है। ये फूल विषनाशक गुणों वाला होता है। मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए ये बता रही हूँ कि इसके जो वृक्ष होते हैं वो 20 मीटर तक ऊंचे होते हैं, जो बंगाल और आसाम के जंगलों में प्राकृतिक रूप से पैदा हो जाते हैं। वैसे घर के बाग बगीचों में भी ये वृक्ष लगाए जाते हैं और आजकल तो इस वृक्षों को आप कहीं भी देख सकते हैं। इसके जो फूल हैं वो अप्रैल महीने से जून माह तक के वृक्षों में खिलते हैं। इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अब विस्तार से देख लेते हैं कि चंपा के फूल किन किन प्रॉब्लम्स में आपको फायदे करते हैं। जिन लोगों को मूत्र रोग है और शरीर का ताप भी बढ़ा रहता है और मूत्र रुक रुक कर आता है, ऐसे रोगी को चंपा के फूलों का आधा कप मिश्री घोल कर सुबह शाम पिलाने से मूत्र खुल कर आता है। एक हफ्ते के सेवन से शरीर शांत हो जाता है, बढ़ा हुआ ताप खत्म हो जाता है। अगर किसी को बुखार है तो चंपा के फूलों का रस बुखार को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बुखार के रोगी को सुबह शाम आधे कप रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर देने से 3 दिन में ही बुखार दूर हो जाता है। जिन माता बहनों को योनि दुर्गंध है, उनके कारण उनका ग्रस्त जीवन नरक बन गया है, ऐसी महिलाएं चंपा के फूलों के रस में जूही के फूलों का रस मिलाकर एवं मुलैठी के चूर्ण में देशी घी डालकर चारों चीजों को मिलाकर गोली बना लें और एक गोली प्रतिदिन योनि के अंदर रखें। 10 दिन के लगातार प्रयोग से ही योनि की दुर्गंध एकदम दूर हो जाएगी और उस महिला का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगर किसी को जोड़ों का दर्द या आम वात या संधिवात है तो उसके लिए चंपा का उपयोग कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। चंपा के वृक्ष के जड़ का चूर्ण आधा तोला सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराने से 40 दिन में ही जो ये आम वात है, संधिवात है या जोड़ों का दर्द है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।